बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण बिहार कच्ची बस्ती में कुछ दिन पूर्व धर्म परिवर्तन कराने के दबाव बनाने का मामला। शिकायतकर्ता महिला ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से इस मामले की शिकायत की। मुस्लिम परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया मुस्लिम परिवार की पिटाई। सूचना पर पहुंची बर्रा पुलिस, बनी रही मूक दर्शक। वही शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस पर कार्यवाही ना करने का लगाया आरोप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। कहाँ रहते हैं आप? गोपाल चौराहा कच्ची बस्ती। क्या है पूरा मामला? वही पर आके सब नशा गांजा दारू पीते हैं और नाम में कहते हैं 20,000 रुपए ले लो, अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम लोग नहीं आने तैयार है तो जान लगा के मारे दे रहे हैं, हमारी बिटिया का घसीटे ले रहे हैं, रहना दुष्कार कर देंगे। ये कितने, ये मामला कितने दिन पहले? दो साल से हो रहा है के? पर साल महीना भर से ज्यादा परेशान की नहीं लोग। कितने परिवार लोग रह रहे हैं? हम खाली बस ये हम है, ये मेरा पति है, ये बस दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आप थाने गए थी? कुछ थाने गए थे, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। फिर आपने किसका सपोर्ट लिया? फिर हमने सपोर्ट लिया यहाँ ऐसे पूछा पंकज भैया के यहाँ। आज पकड़ में आया वो? नहीं पकड़ में आया, सब भाग गए। मुल्ला खाली पकड़ में आया है। तो के लोग अभी फरार हैं? अभी फरार है, 5-6 लोग फरार है। और इसका नाम क्या है? पूतन है, सलमान है, लल्लू है और नाम रहता है सद्दाम है। अच्छा, दबाव बना रहे थे धर्म परिवर्तन? यहाँ पे कितने लोग मिले और जो रहे वो नहीं परेशान के नहीं तो मुल्ला और ये लल्लू का घर परेशान की नहीं है। इन लोग क्या नाम है और किस तरीके से क्या हुआ है यहाँ पर, क्या मामला निकल रहा है? दिलीप सिंह बजरंगी नाम है, बजरंग दल का कानपुर दक्षिण का संयोजक हूँ। हमारे हिंदू परिवार की एक बहन है जो नाबालिग है, उसको कुछ मुसलमान और जमाती काफ़ी परेशान कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए छेड़छाड़ कर रहे थे और छेड़छाड़ प्रतिदिन करते थे, जिसको प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया गया था लेकिन प्रशासन ने किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की। और एक दिन दवाओं के कारण 354 पर उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, जो कि कई संगीन धाराएं बनती है धर्म परिवर्तन पे और पलायन पे और छेड़खानी पर। और उनको अनेक प्रकार के जो है गंदगी का सेवन जबरदस्ती करवा रहे थे, जो कि ये हिंदू विरोधी घटना है, इसको बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, कोई कार्रवाई कोई सहयोग ना होने के कारण आज हम लोग घटना स्थल पे आए हुए हैं, जिसमें से एक जमाती उसमें पकड़ा गया है। आगे पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन का आप मुझे समय दीजिए और इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होगी। कितने परिवार अभी रह रहे थे मुस्लिम परिवार? वहाँ करीब 14 परिवार है, 18 परिवार, और यहाँ पर केवल उनका एक ही कारण आने का, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन पलायन करवाना। क्या इसके पास कोई झंडा वगैरह भी मिला है कहीं बाहर का? नहीं, झंडा बाहर के थे जो कार्यकर्ताओं ने उठा के जला दिए हैं। इस्लामिक झंडे थे और हमारे हिंदू परिवारों के यहाँ से झंडे उतार के उन्होंने वहाँ लगाए थे, जो कि उन्होंने पुनः हम लोगों ने उतार दिया। सर, भीड़ ने एक मुस्लिम युवक की पिटाई किया है, पुलिस थी मौके पर, पुलिस के सामने भी पिटाई की, क्या हाथ में रखता हूँ और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? ये बर्रा थाना क्षेत्र में इस तरह की एक घटना संज्ञान में आई है। किस तरह का विवाद था और क्या उसमें प्रकरण था, इस सारे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक।